हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर अला। ये कर्नाटक एक्वेरियम का दूसरा वीडियो है। ये तो बहुत स्पेशल वीडियो है। इसमें देखो क्या क्या एक्सोटिक एनिमल्स है, देखो पेट एनिमल्स, ये सब हम लोग है ना डिस्कवरी चैनल में, जियोग्राफी चैनल में सब देखने को मिलता है। ये देखो हमारा कर्नाटक में बेंगलुरु में, ये हम लोग देखने को भी परचेस करने को भी होता है, वो भी लीगल थिंग्स है ये सब। इसका विथ सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग मिल जाता हमारे को, कोई टेंशन नहीं। हम लोग को आराम से लेके हमारा फार्म में, नहीं तो घर में पालने वालों को घर में भी रख के पाल सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है ये। ये सब देखने को मिलना तो बहुत मुश्किल है। देखो मैं ये इसका सब डिटेल्स आप लोगों को मिल जाता है, लोग सब एक्सप्लेन करके दे देता हमारे को, कैसा इसको टेक केयर करना, इसको कैसा क्या करना, सब वो लोग एक्सप्लेन करने का करके देता है। ये किधर से आता है, ये कहाँ से मिला, कौन सा कंट्री का, वो सब एक्सप्लेन करके देता है। ये आप लोग देख लेना, देख के मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर भी कर लेना, और मेरा चैनल के बारे में कमेंट भी कर लेना। ओके, आप लोग आराम से देख लो ये वीडियो कैसा, कितना अच्छा है। आप लोग के बच्चों को सब दिखाओ, बहुत अच्छा एक वीडियो है ये एक्सोटिक पेट एनिमल्स के बारे में, देख लेना आप लोग। ओके, आराम से देख के ये पूरा वीडियो देख के स्किप नहीं करना, देख के आप लोग को कुछ कोई भी चीज़ चाहिए तो आप लोग इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वो लोग कमेंट करके आप लोग चीज़ ले सकते हैं आराम से। देखो मेरा हाथ में स्नेक है, देखो कैसा कैसा वेराइटी स्नैक्स इधर मिलता, देख लो आप लोग देख लेने के करके। फिर भी बोल दो इसका। सो हियर वी हैव द कैलिफोर्नियन किंग स्नेक, दिस इज नॉन वेनमस एंड इट्स लीगल टू हैव इन इंडिया। सो बेसिकली यू कैन ओन दिस स्नेक्स लीगली इन इंडिया विद पेपर्स। सो दिस इज कैलिफोर्नियन किंग स्नेक अवेलेबल एट कर्नाटक एक्वेरियम, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द फर्दर इंक्वायरीज। बिकॉज दे आर कैप्टिव ब्रीडेड, सो दे आर रेज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम देयर वेरी अर्ली एज, सो दे आर यूज्ड टू गेट हैंडल्ड बाय ह्यूमन बींग्स। So they doesn't get scared, they doesn't get bothered when the human being handles them. So like that it works. Kya naam hai iska? Hognose snake. Ye kahan se hai? Ye Californian northern regions mein bahut sari countries mein milta hai, Africa mein bhi milta hai, northern California mein bhi milta hai. Okay. To bahut sari jagah pe milta hai. Okay. This is hognose snake. मेरा फेसबुक पेज भी, मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, ट्रैवलर अला व्लॉग्स। और ये आपको कैलिफोर्नियन रीजन्स में मिलता है, और इसका ब्राइट कलर की वजह से ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, तो मोस्टली पीपल्स को बहुत पसंद आता है इसको रखना, तो उसके लिए ये फेमस है। और ये नॉन वेनमस है, तो बेसिकली आप इसको लीगली ओन कर सकते हो इंडिया में, और ये नेटिव भी नहीं है। ये अभी बच्चा है, ये अराउंड 5.5 feet 6 feet तक ग्रो करेगा अभी। और आप देख सकते हो कितना एक्टिव है ये, इधर उधर देख रहा है कहाँ। Okay. So you can see like how comfortable it is here. It's just roaming around and observing the things. It's the milk snake. So here we ये corn snake है, और इसका अभी 2 feet size है ये, अभी पूरा adult नहीं है, ये बच्चा है अभी, और ये अभी काफ़ी बड़ा होगा, 5 feet तक 5.5 feet तक ग्रो करता है ये। और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे corn snake में, तो आप इसमें आपका जो फेवरेट कलर है वो चूज कर सकते हो। हाँ, उसमें 100+ कलर्स, पैटर्न्स, कलर्स नहीं पैटर्न्स आते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, उनके नाम भी डिफरेंट हैं, लाइक एवरी, आयरनरी, घोष, टसेरा एंड स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे कॉर्न स्नेक्स हैं। तो वो सारे म्यूटेशन है, बेसिकली स्नेक यही होगा, सेम फीडिंग होगा, सेम सब कुछ होगा, बट उनका जो कलर है वो डिफरेंट आएगा। सो ये अभी हमारे पास है मैक्सिकन किंग स्नेक, ये फुल जेट ब्लैक आता है, हेड टू टेल आप इसका हेड देख सकते हैं, फुल जेट ब्लैक है, और इसकी बॉडी पे कोई भी कलर पिगमेंटेशन नहीं आता है, ये फुल जेट ब्लैक आता है। और ये मैक्सिको से बिलोंग करता है, और ये मैक्सिमम 6 feet तक रीच कर सकता है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है जब बड़ा हो जाता है, क्योंकि फुल जेट ब्लैक कलर की वजह से बहुत ही इसका अलग से एक अट्रैक्टिवनेस आ जाता है कलर से। Really beautiful. Yeah, देखना बहुत अच्छा दिख रहा ना, बहुत शाइनिंग। ओके,
सो पहले हमने जो भी दिखाया वो सारे स्नेक्स थे. अभी आप देख सकते हो ये हमारे पास है बॉल पाइथन. ये पर्टिकुलर स्पीसीज मॉर्फ स्पीसीज नहीं मॉर्फ स्पीसीज सेम है बॉल पाइथन है. बट ये जो पर्टिकुलर जो हम देख रहे हैं ये पर्टिकुलर मॉर्फ है पाइड बॉल. इसमें पैचेज आते हैं जो आप देख रहे हो ना पैचेज एंड व्हाइट कलर है और पैचेज हैं बीच में. तो ये पाइड बॉल बोलते हैं इसको. पाइड मीन्स पैचेज. सो बॉल पाइथन में भी जैसे मैंने कॉर्न स्नेक में बोला बहुत सारे कलर आते हैं बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं वैसे ही बॉल पाइथन में भी बहुत सारे डिफरेंट म्यूटेशन आते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऊपर एक क्रेट में बहुत सारे स्नेक्स हैं वो सारे बॉल पाइथन से और डिफरेंट डिफरेंट बॉल पाइथन से. तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट बॉल पाइथन से वो सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉब्स हैं. और ये भी सारे जो आप देख सकते हो ये सारे बॉल पाइथन हैं. तो इसी में जो मेरे पास पर्टिकुलर पीस है ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी पाइड बॉल है और यहाँ पे हमारे पास भी पाइड बॉल है. तो ये मैंने बताने के लिए कि बहुत सारे इसमें पैटर्न आते हैं उसके लिए एक एग्जांपल दिया दिखाया भी कि कैसे पैटर्न आते हैं कैसे मॉब्स होते हैं. तो इसमें भी आपको 1000+ मॉब्स हैं. कॉर्न स्नेक में मैंने बोला कलर्स आते हैं डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं बट बॉल पाइथन में भी 1000+ मॉब्स हैं. एवरीडे पीपल्स अलग अलग मॉब्स को ब्रीड करते हैं और एक नया स्पीसीज नहीं नया मॉब्स को जनरेट करते हैं. तो वैसे बॉल पाइथन्स का जो स्कोप है जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है क्योंकि स्पीसीज का काउंट बहुत ज़्यादा है. तो इसमें आपका जो मोस्ट कॉमनली जो पाइथन जो मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड वाइड इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड जो सबसे कॉमन पाइथन है वो बॉल पाइथन है. और इसमें बहुत सारे म्यूटेशन आते हैं. एल्बाइनो आता है आपके पाइड्स आते हैं लुसिस्टिक आता है तो बहुत सारे आते हैं. तो ये है हमारा पाइड बॉल. इसके बारे में बोलो. अभी ये जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीकन एग ईटर स्नेक है और इसका आप फेस देख सकते हैं बहुत क्यूट लगता है. इसके छोटे छोटे से आई बॉल्स हैं और बहुत छोटा सा फेस है लेकिन ये छोटा सा फेस बड़े बड़े अंडे भी निगल लेता है. तो ये अफ्रीकन एग ईटर है और ये मेनली चूहे नहीं खाता है. जो बेसिकली जो स्नेक्स और जो पाइथन्स होते हैं वो बेसिकली रैट्स और रोडेंट्स पे ज़्यादातर फीड करते हैं. बट ये जो पर्टिकुलर एग ईटर स्नेक है इसका नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि एग ईटर मीन्स अंडे खाने वाला. तो ये मोस्टली छोटे छोटे बर्ड्स के अंडे खाता है उनके नेट्स में जाके उनके अंडों पर प्रे करता है उनको खाता है. तो इसलिए इसको अफ्रीकन एग ईटर स्नेक बोलते हैं. और ये नॉन वेनमस है और ये काफ़ी लंबा हो जाता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता और इसका फेस बहुत क्यूट लगता है. तो आप ये देख सकते हैं ये है अफ्रीकन एग ईटर स्नेक. देखना वो स्ट्राइक करेगा दिस गाइस मोबाइल को मारेगा ना आप पे भी आ जाएगा काफी लंबा रोड इसमें सम वायर इनसे दैट इज अ हीट पैड ओ इट नीड्स टू बी इन हीट ओनली अगेन हाउ टाइट इट्स होल्डिंग हियर दैट ओनली इज देयर बेसिक स्ट्रेटजी टू कीप इट डाउन सो योर फेस विल नॉट गेट रियली बिग. यू कैन सी द साइज एज ऑफ नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 6-7 फीट ओके but it gonna still grow ಎಷ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೇ ಅಂಡ್ ದೇ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಪ್ರೇ ಡೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಟ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೀಡ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋ ದೇ ಡಸಂಟ್ ಬೈಟ್ ದೇ ಡಸಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪಟ್ 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 तो ये अभी आप देख सकते हैं ये अर्जेंटीना ब्लैक एंड वाइट टेगू लिजर्ड और ये काइंड ऑफ लाइक मॉनिटर लिजर्ड्स की तरह दिखता है बट ये मॉनिटर लिजर्ड नहीं है ये टेगू है. आप इसका फेस देख सकते हो ये ब्लैक एंड वाइट टेगू है अर्जेंटीना ब्लैक एंड वाइट टेगू और ये 6 फीट तक ग्रो करता है और ये ओमनीवोरस है. ये आपका ग्रीन लीव्स भी खाएगा वेजिटेबल्स भी खाएगा चिकन भी खाएगा इंसेक्ट्स भी खाएगा. तो ये काइंड ऑफ ओमनीवोरस लिजर्ड है. बहुत सारे लिजर्ड हर्बीवोरस भी होते हैं बहुत सारे लिजर्ड कार्निवोरस भी होते हैं बट दिस गाय इज ओमनीवोरस. ये हमारे पास है ग्रीन इगुआना और ये लिजर्ड्स में सबसे कॉमन पेट है. इसमें आपको बच्चा अराउंड 9000 से स्टार्टिंग है प्राइसिंग. तो ग्रीन इगुआना आपको 9000 का मिल जाएगा. उसमें ब्लू है लुटिनो है आपका रेड है उनका कलर थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है लेकिन सबसे कॉमन ग्रीन इगुआना है. और ये अभी थोड़ा बड़ा है ये बच्चा नहीं है ये थोड़ा बड़ा है. आप इसका साइज देख सकते हो साइज थोड़ा बड़ा है इसका. ये अभी अराउंड 2 फीट का रहेगा. तो ये ग्रीन इगुआना है और ये हर्बीवोरस है. ये थोड़ा डर रहा है ये हर्बीवोरस है. इसको ग्रीन लीव्स ही देना है आपको. ये कोई भी इंसेक्ट नहीं खाता है कोई भी चिकन नहीं खाता है. ये 100% हर्बीवोरस है. तो इनका डाइट में आपका ग्रीन लीव्स जाएगा वेजिटेबल्स जाएगा फ्रूट्स जाएगा फ्लावर्स जाएगा वही ये खाते हैं.
अभी हमने आपको ग्रीन इगुआना दिखाया, उसमें जैसे मैं बोल रहा था रेड इगुआना भी आता है, तो ये अभी रेड इगुआना है। इसका प्राइस है, रेड इगुआना का बच्चे का 12,000 है। ये थोड़ा बड़ा है, इसका डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द प्राइस थोड़ा प्राइस डिफरेंट हो जाता है। इसका सब सर्टिफिकेट भी मिलता ना? विद सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन का चार्जेस अलग 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 होता है। यहाँ पे अभी हमारे पास ग्रीन इगुआना है, हमने थोड़ी देर पहले भी ग्रीन इगुआना दिखाया था एक, और ये भी इनके सिर पे रेस्ट कर रहा है। इसका क्या रेट पड़ता है? ये बच्चे 9,000 के आते हैं, और ये साइज का आपको अराउंड 22,000 ईच पीस मिलेगा, जो ये आप साइज देख रहे हो। ये बच्चा नहीं है, बच्चे बहुत छोटे आते हैं, लेकिन ये काफी बड़ा है, और ये अभी सिर पे रिलैक्स कर रहा है एकदम। और ये 100% हर्बीवोरस है, तो इनमें ऐसा नहीं कि आपको चिकन फीड कराना है, वॉर्म्स फीड कराना है, वैसा कुछ भी नहीं रहता, आपको 100% हर्बीवोरस है। बहुत अच्छा देख रहा है इसका, लंच टाइम है ना, देखो कैसा वेजिटेबल खा रहा है, सबको खाना खिलाया ना। दिस इज अ एशियन ब्लैक मॉनिटर, दिस इज कॉल्ड एशियन। सो ये अभी हमारे पास है एशियन ब्लैक वाटर मॉनिटर, और इसको एशियन ब्लैक ब्लैक ड्रैगन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत फुल जेट ब्लैक है। जैसे हमने एशियन वो आपका मैक्सिकन किंग स्नेक देखा, वैसे इसका भी कलरेशन फुल जेट ब्लैक है। और नॉन वेजिटेरियन स्टफ खाएगा, चिकन, मटन, ऑल दोज थिंग्स इट कैन, वो सब कुछ खा सकता है, तो ये 100% कार्निवोरस है, कुछ भी ग्रीन लीव्स वगैरह नहीं खाएगा। इसका सब प्राइस है, ये एक्चुअली प्राइसिंग के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे आप क्वेरीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हां ठीक है ठीक है, सी वो सो गया मेरी बात। नो नो जंपिंग। ओके सो ये हमारे पास है वारनस मॉनिटर लिजर्ड, और इसमें आप कलर देख सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट आता है, और इसका मैक्सिमम साइज अराउंड 5-6 feet तक बड़ा होता है, और ये भी सारे मॉनिटर लिजर्ड्स की तरह कार्निवोरस है। और जो आप टेल देख रहे हो, वो टेल थोड़ा थिक है, हमने जो दूसरे मॉनिटर लिजर्ड थे कि उसमें टेल लंबा और पतला था, लेकिन इसमें छोटा और मोटा है। तो ये क्या है, ये इसको वारनस मॉनिटर बोलते हैं, लेकिन समटाइम्स कॉमन लैंग्वेज में इसको स्पाइनी टेल मॉनिटर लिजर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका टेल थोड़ा सा स्पाइनी आता है और थोड़ा सा मोटा आता है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है, और ये बहुत ही यूनिक है। After some time again we will start moving. Okay, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಲಿಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದು ಆವ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ನೇಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಲಿಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ದ ಸೈಜ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟು ಲೈಕ್ 3 or 3.5 feet ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಷ್ಯನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಜರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಹಾ, ಇಟ್ಸ್ ರಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಜರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್. ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಲೈಕ್ ದೇ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಸಿ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಡೌನ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಯೇ ಅಭಿ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಹೈ ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಯೇ ಬಹುತ್ ಹಿ ಯೂನಿಕ್ ಲಿಜರ್ಡ್ ಹೈ, ಯೇ ಥೋಡಾ ಬಹುತ್ इसका जो बियर्ड है, जो ये कांटा आप देख सकते हो इसके फेस के पास, ऐसा कांटा स्पाइक्स की तरह दिख रहा है, बट ये लगता नहीं है, जब तक ये डरता नहीं है तब तक ये आपको चुभेगा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लूज रहता है, आपको हर्ट नहीं करेगा, बट जब ये डर जाएगा, डरेगा तो उसको हार्ड कर लेगा, तो उस टाइम पे आपको ये थोड़ा बहुत डर सकता है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए उसको यूज़ करता है। और इसका आप कलरेशन देख सकते हैं, और यही मैक्सिमम साइज़ है, कलर भी बहुत इसका ब्यूटीफुल लगता है, और देखने में भी बहुत क्यूट लिजर्ड है ये, और ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी नहीं रहता है, बहुत फोटोजेनिक लिजर्ड है ये, एक जगह पे अगर छोड़ दोगे तो वहीं पे खड़ा रहेगा, भागेगा नहीं, और यही मैक्सिमम साइज़ है, फुल एडल्ट है, आप देख सकते हो 1.5 feet अराउंड इसका साइज़ है, और ये एडल्ट मेल है, इसको ब्रेडी ड्रैगन बोलते हैं, और ये भी ओमनीवोरस है, इसको भी आप रोचिस दे सकते हो, मील वॉर्म्स दे सकते हो, और आप इसको वेजिटेबल्स भी दे सकते हो। तो ये अभी हमारे पास प्लैनेट अर्थ पे दूसरा सबसे बड़ा टॉर्टोइज है, अभी तो ये बच्चा है, बट बाद में इसका वेट 400 kg से 600 kg तक जाता है, और ये बहुत बड़ा हो जाता है, साइज़ में अराउंड 2.5 feet 3 feet तक ये ग्रो करेगा, और इसका लाइफ स्पैन
180 से 200 इयर्स तक है. अभी हम मर जाएंगे लेकिन हमारे दो जनरेशन के पास ये पेट रहेगा. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पेट है और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टॉर्टोइज है. इसका नाम है जाइंट टॉर्टोइज, अल्डाब्रा जाइंट टॉर्टोइज. इसका प्राइस है 3.5 लाख सिंगल पीस है ये. इसमें बच्चा आपको 3.5 लाख का मिलेगा और साइज पे जितना बड़ा होगा उतना प्राइस भी इसका बड़ा होगा. ये कितना साल का है? ये अराउंड 1.5 ईयर का है अभी. और आप इसका साइज देख सकते हो, पाम साइज है ये, पूरा हाथ के साइज का है. लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा. इसके ऊपर आप बैठ के घूम सकते हैं, इवन इतना बड़ा हो जाता है. तो ये है अल्डाब्रा जाइंट टॉर्टोइस. ओके, तो अभी हमारे पास है वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट, पहले हमने देखा वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अल्डाब्रा. नाउ ये है सलकटा टॉर्टोइस, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टॉर्टोइस. ये भी काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसका भी लाइफ स्पैन अराउंड 80 to 120 ईयर्स तक है. इसका अल्डाब्रा की तरह 200 नहीं है, बट ये भी 120 तक रह सकता है. और ये भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, अराउंड 2-2.5 फीट तक ये भी बड़ा हो जाता है. और इसका भी वेट अराउंड 250 to 300 केजीज तक ये वे कर सकता है, फुल्ली एडल्ट सलकटा. और अभी आप जो देख रहे हो ये अराउंड 1.5 ईयर का है और ये भी पाम साइज़ है जैसे अल्डाब्रा था. और इसका बेबी आपको ये चीप टॉर्टोइस में सबसे चीपेस्ट टॉर्टोइस आपको सलकटा ही है. सलकटा आपको 25,000 सिंगल पीस बच्चा मिल जाएगा. और ये तो पानी में नहीं जाता ज़्यादा? ये पानी में नहीं जाता ज़्यादा, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं जाता. अगर आप इसको पानी में डुबाओगे तो ये मर जाएगा. ये टॉर्टोइस है, टर्टल्स पानी में रहते हैं, टॉर्टोइस जमीन पे रहते हैं. तो जो ये है ये पानी पीता है लेकिन पानी में जाता नहीं है, अगर पानी में डालेंगे तो मर जाएगा. तो ये सलकटा टॉर्टोइस है. ये तो बहुत लोगों को मालूम नहीं है सर, है ना? ये तो नया एक्सपीरियंस. ओके, तो ये हमारे पास सलकटा टॉर्टोइस. तो ये अभी हमारे पास है स्नेक हेड टर्टल. ये टॉर्टोइस नहीं है, ये जमीन पे नहीं रहता है, ये पानी में रहता है. और ये लॉन्ग नेक टर्टल है, इसका स्नेक की तरह लंबा नेक आता है, आप देख सकते हो इसका. ओके, सो ये अपना कैलिफोर्निया से आता है लॉन्ग नेक टर्टल. और ये कार्निवोरस होते हैं. ये टॉर्टोइस की तरह सब्जी नहीं खाते हैं, ये फिशिज को खाते हैं, फिशिज को, इंसेक्ट्स को. और इवन आप चिकन दोगे वो भी खा लेगा. तो ये है लॉन्ग नेक टर्टल. तो ये अभी हमारे पास है रेड आई क्रोकोडाइल स्किंक. इसका आप बैक देख सकते हो, ये जो स्केल्स है बहुत हार्ड आता है और इसीलिए इसको क्रोकोडाइल स्किंक बोलते हैं. जो बैक है आप फुल साइज देख सकते हो, इतना ही है. और इसकी आईज के पास जो रिंग है, रेड रिंग है, इसके लिए इसको रेड आई क्रोकोडाइल स्किंक बोलते हैं. और ये बहुत क्यूट है, आप देख सकते हो कितना क्यूट लगता है ये. और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है ये. ये छोटे छोटे वॉर्म्स को खाता है, छोटे छोटे स्नेल्स को खाता है और अर्थ वॉर्म्स को खाता है. और ये ज़्यादातर वाटर बॉडी और ह्यूमिड एनवायरनमेंट के आसपास रहता है. इसका प्राइस है? इसका प्राइस आपको 35,000 ईच पीस मिलेगा. उसका कितना बड़ा होता है? ये मैक्सिमम 1 फीट तक बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. स्किंक्स ज़्यादातर बड़े नहीं होते हैं, कुछ कम स्किंक्स हैं जो बड़े होते हैं. बाकी आप देख सकते हो कितना क्यूट है ये, बहुत ही क्यूट पेट है. अगर आपको कुछ छोटा सा मॉनिटर लिजर्ड रखना है जो थोड़ा ड्रैगन की तरह दिखे, छोटा पॉकेट ड्रैगन रखना है, ये आपके पास है. ये दिखता बिल्कुल एकदम ड्रैगन की तरह है कि कुछ खा लेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बड़ा भी नहीं होता है और क्यूट भी दिखता है. छोटा ड्रैगन है, देखो आप इसको देख सकते हो कितना क्यूट है ये. बोलो. अभी ये हमारे पास है स्किंक में दूसरा वैरायटी. अभी मैंने क्रोकोडाइल स्किंक बताया आपको, रेड आई क्रोकोडाइल स्किंक. लेकिन इसका आप ध्यान देंगे तो इसकी जीप पे, अगर आप इसकी टंग पे फोकस करेंगे तो टंग ब्लू है. इसका टंग का कलर ब्लू आता है, इसको ब्लू टंग स्किंक बोलते हैं. इसका टंग जो है वो ब्लू कलर में आता है, इसलिए इसको ब्लू टंग स्किंक बोलते हैं. और ये थोड़ा सा बड़ा साइज तक ग्रो करता है, अराउंड 1.5 फीट तक बड़ा हो जाता है ये. और ये इंसेक्टिवोरस हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं. वॉर्म्स दे सकते हो आप, मील वॉर्म्स दे सकते हो, ब्लड वॉर्म्स दे सकते हो, इवन समटाइम आप चिकन भी दे सकते हो, वो भी ये खाएगा. तो इनको पालना इजी है और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं रहते हैं, बहुत काम रहते हैं. आप देख सकते हो बहुत काम है ये. ये तो बच्चा नहीं है, ये बच्चा है अभी. अभी 1.5 फीट तक ये बड़ा होगा. और इसका मेन करेक्टरिस्टिक इसका टंग, इसका टंग ब्लू कलर में आता है, तो इसको ब्लू टंग स्किंक बोलते हैं. इसका प्राइस क्या होता है? ये भी आपको अराउंड 35,000 ईच पीस मिल जाएगा. और इसमें भी म्यूटेशंस आते हैं, एल्बाइनो आता है, दूसरा आता है. तो म्यूटेशन और साइज और क्वालिटी पर डिपेंड करता है. आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? और ये वीडियो मैं इधर वाइंड अप कर रहा हूँ. और अगला और दूसरा एक नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे. तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय. और मेरा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना, कमेंट भी कर लेना.
और ये कर्नाटकम एक्वेरियम का पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, नंबर कॉन्टैक्ट नंबर और ये किधर रहते हैं कौन से जगह में वो सब आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। आप लोगों को कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो वो नंबर में कॉन्टैक्ट कर लेना और इधर आके आप लोग परचेस भी कर सकते हैं, पूरा चीज़ आपको सर्टिफिकेट के साथ आप लोग मिल जाता है।